नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube प्लेटफॉर्म जी एस बाई नीरज सर में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का लेक्चर देखेंगे जो लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 से 30 क्वेश्चनों का होगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जामों में रिपीट हुए हैं या आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जी, क्वेश्चन नंबर एक, वर्तमान में देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश, इनका क्रम कई बार पूछा गया है, 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये रंजन गोगोई जी हैं। इनका क्रम कौन सा है? 46वां है। किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये असम राज्य से संबंध रखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर दो की बात करें, देश के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, UPSSSC में इनका क्रम कई बार पूछा गया है, तो क्रम ध्यान रखें, 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हैं सुनील अरोड़ा जी। जी, सुनील अरोड़ा जी, इनका क्रम है 23वां। भारत देश के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। इन्हीं के कंधों पे इस समय 17वीं लोकसभा का चुनाव भी है। अगर बात कर लिया जाए प्रधानमंत्री के घर का मार्ग, इस बार पूछा गया था SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के घर का मार्ग, तो उनके घर का मार्ग है सेवन रोज कोर्स, जिसका नाम बदल के पीएम मोदी ने कर दिया है लोक कल्याण मार्ग। जी, लोक कल्याण मार्ग अब नया नाम हो गया है प्रधानमंत्री के घर का, लोक कल्याण मार्ग। जी, अगर राष्ट्रपति के घर का नाम पूछ लिया जाए, पीएम का पूछा गया तो राष्ट्रपति को पूछा जा सकता है, तो उनके घर का नाम है रायसीना हिल्स। जी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो अभी हाल ही में शक्तिकांत दास जी को RBI भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर चुना गया, तो उनका क्रम कौन सा है? क्रम जरूर याद रखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 23वें नंबर पे हैं। अगर CGI की बात करें तो वो 46वें क्रम पे हैं, और अगर RBI गवर्नर की बात करें तो वो 25वें क्रम पे हैं। जी, शक्तिकांत दास, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो ये लिए हैं उर्जित आर पटेल का। जी, उर्जित पटेल जी का स्थान लिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। अब यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की गई है, तो इससे UP के एग्जामों में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की भी अध्यक्ष पूछी जा सकती हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? रेखा शर्मा जी। जी, चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर है रेखा शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 5, संघ लोक सेवा आयोग, अभी UPSC का लेटेस्ट में डाटा पूछा गया है। जी, अभी ARO का पेपर हुआ है, हाईकोर्ट ARO का पेपर, उसमें UPSC के अध्यक्ष पूछे गए थे अरविंद सक्सेना जी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखें, आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहीं से लगभग क्वेश्चंस बनते ही हैं, ध्यान रखें, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अभी ARO लेटेस्ट डाटा है, UPSC के नए अध्यक्ष अरविंद सक्सेना जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? अब यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बात पूछ ली गई है, तो MP के नए मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी। शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है, ये भी ध्यान रखें, शिवराज सिंह चौहान किस पार्टी से थे? तो BJP से थे, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जोरम थंगा जी मिजोरम के नए मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, कमलनाथ जी MP के, मिजोरम के जोरम थंगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा, ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सचिव, तो अध्यक्ष हैं नंद कुमार साय जी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि सचिव आलोक कुमार सिंह जी हैं, ध्यान रखें। अगले टर्म पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिपल स्टार के साथ है, स्टार का मतलब होता है उतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मानवयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कार्यक्रम मिशन की प्रथम निर्देशक किसे बनाया गया? जी, तो मानवयुक्त जो अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है उसका प्रथम निर्देशक तो BR ललतांबिका जी को मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का निर्देशक बनाया गया है। इसका लक्ष्य है 2022 गगनयान। जी, ध्यान रखें।
साथ ही साथ पूछ लिया जाए चूहा मार दवा, सबको पता होगा जिंक फास्फाइड जी। इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए जस्ते का फूल किसे कहते हैं, तो वहाँ होगा जिंक ऑक्साइड, चूहा मार दवा जिंक फास्फाइड और जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड। ठीक, ये भी क्वेश्चंस अगर देखते रहें तो साथ में याद हो जाएगा जी। सेबी के नए अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, अजय त्यागी जी को। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजय त्यागी जी, ध्यान रखें। क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से कई बार सिलेक्शन रुक जा रहा है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कई बार ये भी पूछा गया है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जी, सेबी का फुल फॉर्म है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार जी हैं। अगर CEO चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर की बात करें तो अभिकांत दास जी हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जी। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव यूपी के नए मुख्य सचिव, तो यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, यूपी स्पेशल के लिए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, अनूपचंद पांडे जी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं जी, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इससे पहले UPP में क्वेश्चन पूछा गया था, ओम प्रकाश सिंह जी को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति का नया अध्यक्ष, ठीक, तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये हैं ब्रज लाल जी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात हुई थी तो नंद कुमार साय जी थे और सचिव अशोक कुमार सिंह जी, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो ब्रजलाल जी, अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो नंद कुमार साय जी, सचिव आलोक कुमार सिंह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से एकमात्र महिला मुस्लिम सांसद कौन थी 16वीं लोकसभा में, ठीक, तो तबस्सुम हसन जी। ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, यूपी स्पेशल के लिए। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 16, ट्रिपल स्टार के साथ है, इम्पोर्टेंट डाटा है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष तनवीर हैदर उस्मानी जी को बनाया गया है जी, तनवीर हैदर उस्मानी जी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखें, डाटा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान जी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा, अभी लेटेस्ट एग्जामों में पूछा गया है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, इससे पहले हमने बात की थी राष्ट्रीय महिला आयोग, वहाँ अध्यक्ष कौन थी, रेखा शर्मा जी। अगर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की बात की जाए तो यह है बिमला पाथम जी, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, नोएडा से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, 7वें वेतन आयोग अभी लेटेस्ट में डाटा है, जारी हुआ है, इसलिए इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो अशोक कुमार माथुर जी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, नाबार्ड जो एक कृषि बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक एक कृषि बैंक है जी नाबार्ड, तो इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहला क्वेश्चन यही, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। अब नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला जी इस समय नाबार्ड के
चेयरमैन है जी। डाटा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, इससे पहले हमने दो राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में बात की थी, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले हमने दो मुख्यमंत्री, मिजोरम के जोरम थंगा जी और मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी की बात की थी। इसरो, इसरो के नए अध्यक्ष बहुत दिनों से बने हैं, लेकिन ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं। इनका क्रम कई बार पूछा गया है, के सिवान जी। के सिवान जी इस समय इसरो के नए अध्यक्ष हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र के सहायक नियंत्रक व महालेखाकार परीक्षक कौन बने? संयुक्त राष्ट्र संघ के सहायक नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक कौन बने हैं? तो राजीव महर्षि जी। जी राजीव महर्षि जी वर्तमान में कैग हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई की प्रथम सीएफओ मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? डाटा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो सुधा बालाकृष्णन जी। जो यूपी लोअर का एग्ज़ाम लगा है, मंडी परिषद का एग्ज़ाम लगा है, उसमें आने की संभावना भरपूर है जी। आरबीआई की प्रथम सीएफओ सुधा बालाकृष्णन जी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल जी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह जी। मुख्य सचिव कौन है उत्तर प्रदेश के? अनूपचंद पांडे जी। ध्यान रखें, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑनलाइनर, लेकिन इन्हीं एक एक नंबरों से ही हमारा सिलेक्शन रुकता है और हमारा सिलेक्शन होता भी है, ध्यान रखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार साय जी। सचिव कौन है? अशोक कुमार सिंह जी, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति, कई बार इनका क्रम पूछा गया है, 13वें राष्ट्रपति जीएसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं इनके राष्ट्रपतियों के नाम, लेकिन यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा था, उसमें भी पूछा जा चुका है जी। पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति तो ये आरिफ अलवी साहब जी। और अगर पीएम की बात की जाए, इमरान खान साहब जी। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सीबीआईसी का नया अध्यक्ष एस रमेश जी को बनाया गया है। अगले टर्म पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? आदर्श कुमार कोयल जी। डाटा आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार के साथ। मुख्यालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक। अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी, भूतपूर्व जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष के एन व्यास जी को बनाया गया है। के एन व्यास जी को केंद्र सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, किस भारतीय निशानेबाज को अगस्त 2018, ये डाटा याद रखें, निशानाबाज है और अगस्त 18 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रतिष्ठित एथलीट्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया, तो ये निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा जी, जो एथलीट्स कमीशन में सदस्य नियुक्त हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इससे पहले वाला क्वेश्चन, 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कहाँ हुई, ये पहले पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष कौन बनाई गई? तो मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, जो बेल्जियम की हैं। इनका ये क्रम कई बार पूछा गया कि मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष हैं, किस देश से बिलोंग करती हैं या किस देश की मूल नागरिक हैं? तो बेल्जियम जी, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा जी संयुक्त राष्ट्र 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित हुई थी, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा जी। बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। राज्यसभा के 13वें सभापति, कई बार पूछा गया है, ये यूपी से आए हैं, हरिवंश नारायण सिंह, जो यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के इस समय वर्तमान उपसभापति हैं, एम वेंकैया नायडू के बाद इन्हीं का स्थान है,
ठीक। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने तो बी के यादव, लेटेस्ट डाटा है बी के यादव को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो अश्वनी लोहानी, बी के यादव ने स्थान लिया है अश्वनी लोहानी का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, 1 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक और CEO के रूप में पदग्रहण किया, तो एक्सिस बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO के बारे में पूछा जा रहा है, तो अमिताभ चौधरी जी, रेखा शर्मा का स्थान लिया है उन्होंने अमिताभ चौधरी ने, एक्सिस बैंक के नए CEO अमिताभ चौधरी जी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय मुंबई में, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया, तो मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव जी, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO, कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो PB भारती। इन्होंने किसका स्थान लिया PB भारती जी ने, तो जय कुमार गर्ग का स्थान लिया है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, और सॉरी, अगर बात करें कॉरपोरेशन बैंक के मुख्यालय की, तो ये मैंगलुरु जी, मैंगलुरु शहर में पड़ता है, ये दक्षिण भारत के शहर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ की सहायता देने की घोषणा भारत सरकार ने की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ रुपये किस राष्ट्र को मिलेगा, भूटान, पड़ोसी राष्ट्र भूटान, जिसका उपनाम है मेघों का देश या तड़ित झंझाओं का देश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, मेघों का देश किसे कहते हैं, भूटान को, इसका उपनाम है तड़ित झंझाओं का देश किसे कहते हैं, भूटान को। अगर पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई क्या है, कई बार यही पूछा गया है, उसकी ऊंचाई क्या है, तो 88-48, 88-48, ठीक। अगर पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसका दो नाम है, सागर माथा और चोम लुंगमा और सागर माथा। अगर सागर माथा ऑप्शन में नहीं रहता है, तो चोम लुंगमा, बहुत कम लोगों ने नाम सुना है चोम लुंगमा, ये सागर माथा का ही नाम है, जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, हाल ही में चैम्पियंस ऑफ चेंज पुरस्कार किसे दिया गया, तो चैम्पियंस ऑफ चेंज का पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह जी को, चैम्पियन ऑफ चेंज का पुरस्कार किसे दिया गया, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2018 में बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, ध्यान रखें राजस्थान की भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के लिए घोषित किया गया था 2018 में। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी। और इससे पहले बात करें तो MP की नए मुख्यमंत्री कौन है, तो MP के कमलनाथ जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, अगले क्वेश्चन, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार जिन्हें हम लोग भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं, MS स्वामीनाथन जी को, तो MS स्वामीनाथन को प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से नवाजा गया है किसे, MS स्वामीनाथन जी को। अगले टर्न पर बढ़ें, हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसे दिया गया, मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता, दिव्या पाटीदार जोशी। अगर ये पूछ लिया जाए दिव्या पाटीदार जोशी किस राज्य से हैं जिन्होंने हाल ही में मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता, तो वही राज्य जो सोयाबीन में अग्रणी उत्पादक है, जो राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क जहाँ स्थित है, कौन सा राज्य होगा, सोया प्रदेश या मध्य प्रदेश जी। दिव्या पाटीदार जोशी मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीतने वाली हैं मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिस इंडिया 2018 जी, मिस इंडिया 2018 अनुकृति व्यास जी थी, मिस वर्ल्ड 2018 कौन था, तो विनेसा पोन्स डी लियोन,
मिनेसा पोंस डी लियोन ये कहाँ की मूल नागरिक हैं? तो मैक्सिको। नागरिकता कहाँ की है? मिनेसा पोंस डी लियोन की, जो मिस वर्ल्ड 2018 थी, तो मैक्सिको। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार अभी लेटेस्ट डाटा पूछा गया है मिनेसा पोंस डी लियोन को और अनुकृति व्यास को। SSC GD जो भी एग्जाम चल ही रहा है उसमें पूछा गया है। RPF कांस्टेबल में भी डाटा पूछा गया है अनुकृति व्यास जी के बारे में, मिस इंडिया 2018। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? जी हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर जी, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा भुवनेश्वर में। और यहीं पर अभी हाल ही में पुरुष हॉकी का गेम भी हुआ था, विश्व कप पुरुष हॉकी, तो उसका शुभांकर कौन था? ऑलिव रिडले एक विशेष टाइप का कछुआ है। ठीक, और विश्व कप 18 का आयोजन कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है, और भुवनेश्वर का पूर्व नाम है पूरब का काशी के उपनाम से भी भुवनेश्वर को जाना जाता है। वाइट पैगोडा और ब्लैक पैगोडा यहीं भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक, कैसा लगा लेक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो पसंद आने पे फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।